आज पीपल फार्म के किचन से मैं आपके साथ एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो हर चॉकलेट लवर को बेहद पसंद आएगी। जब भी हम चॉकलेट के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में चीनी आता है, पर जो आज की रेसिपी है वो हमने बिना चीनी के बनाई है, पर फिर भी ये चॉकलेट स्वीट है। तो बहुत से जो ऐसे लोग हैं जिन्हें डार्क चॉकलेट पसंद है, उनके पास बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। तो इस रेसिपी से आप घर पे ही बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ डार्क चॉकलेट बना सकते हैं और साथ ही साथ उसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। यानी कि सेम रेसिपी आप कभी बादाम के साथ बना सकते हैं, कभी रेजन्स के साथ बना सकते हैं, चाहे तो उसमें ड्राइड ब्लूबेरीज या स्ट्रॉबेरीज डाल सकते हैं। तो चलिए, ये जो रेसिपी है बेहद सिंपल रेसिपी है, मैं आपको दिखाती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने काकाओ बीन्स का इस्तेमाल किया है, या फिर आप उसे डार्क चॉकलेट से भी बना सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने लिए हैं रॉ काकाओ बीन्स, उसको हमने रोस्ट कर लिया है और उसका छिलका उतार लिया है। इस चॉकलेट को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि आप चाहें तो इसमें बादाम ऐड कर सकते हैं, काजू का यूज कर सकते हैं, इसमें पम्पकिन सीड्स डाल सकते हैं या सनफ्लावर सीड्स डाल सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ और डालना चाहें तो आप इस स्टेप में वो सब चीज़ें भी तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी में हम चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसको चॉकलेट को मीठा बनाने के लिए हमने खजूर का इस्तेमाल किया है। आप अपने खजूर में से छिलका उतार लीजिए, उसका बीज निकाल लीजिए और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लीजिए। जो काकाओ बीन्स हमने साफ किए हैं उसको अब हम ब्लेंडर में डालेंगे और उसको हम तब तक ब्लेंड करेंगे जब तक वो लिक्विड चॉकलेट नहीं बन जाती। अगर इस रेसिपी में आप शुगर फ्री डार्क चॉकलेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको डबल बॉयलर में मेल्ट कर लीजिए। अब जो खजूर हमने छोटे छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है उसको हम एक ब्लेंडर में डालेंगे और हम उसे अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे ताकि उसकी पेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी बन जाए। अब उसी जार में जिसमें आप डेट्स की पेस्ट बना चुके हैं उसमें आप मेल्टेड चॉकलेट डाल लीजिए और दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। जब हम खजूर और चॉकलेट को मिक्स करेंगे तो शुरू शुरू में उसकी जो कंसिस्टेंसी होगी वो आपको थोड़ा ड्राई लगेगी, पर जैसे जैसे हम उसको ब्लेंड करते जाएंगे लगभग 5 से 10 मिनट तक तो वो स्मूथ होता जाएगा। अब चॉकलेट सेट करने के लिए आप किसी भी ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पे एक थिन लेयर आप कोकोनट ऑयल की लगा दीजिए। अब उस ट्रे में जो हमने ये चॉकलेट बनाई है खजूरों के साथ वो पोर कर दीजिए, और मैंने इसको 1/4 इंच थिकनेस रखी है, पर अगर आपको चॉकलेट थिंस बनाने हैं तो आप इसे और पतला कर सकते हैं। अगर आपको अपनी चॉकलेट बार मोटी रखनी है तो इसमें मिक्सचर आप बढ़ा भी सकते हैं। अब स्पैचुला की मदद से ये जो मिक्सचर है उसको हम प्रेस करेंगे अच्छी तरह से। अगर आपके पास स्पैचुला नहीं है तो आप स्पून भी यूज़ कर सकते हैं। इसको अच्छी तरह से स्मूथ कर लेंगे इसके सरफेस को, ताकि इस पे कोई भी चॉकलेट के सरफेस पे क्रैक्स ना दिख रहे हों। अब इसके ऊपर हम अपने बादाम, काजू, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो डाल देंगे। आप इसे होल भी डाल सकते हैं या आप चाहें तो इसको क्रश कर भी डाल सकते हैं। अब जो भी नट्स, सीड्स या अगर आप कोकोनट पाउडर का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको इस सरफेस पे स्पैचुला की मदद के साथ अच्छी तरह से प्रेस कर दीजिए, ताकि वो चॉकलेट के साथ अच्छी तरह से चिपक जाए। अब आप अपनी पसंद की शेप और साइज में चॉकलेट को चाकू की मदद से काट लीजिए, ताकि जब आप इसे मोल्ड से निकालेंगे तो वो आसानी से निकल जाए। अब इस मोल्ड को हम फ्रीजर में ओवरनाइट फ्रीज होने के लिए रख देंगे। अब इस फ्रोजन चॉकलेट को हम चाकू की मदद से मोल्ड से निकाल लेंगे और ये चॉकलेट रेडी है। अगर आप इसे स्टोर करना चाहते हैं तो एक एयरटाइट कंटेनर में इस चॉकलेट को आप फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, या अगर आपने इसको किसी डिफरेंट तरीके से बनाया हो तो हमें प्लीज कॉमेंट में जरूर बताइएगा।